क्रांतिकारियों के जीवन को लेकर के बड़ी ऊर्जापूर्ण चर्चा सुन रहे हैं और हमारे उपन्यासकार भी बीच बीच में बहुत अच्छी शायरी करते हैं। वो कह रहे थे कि रात्रि के सत्र में भी हम इसी विषय को जारी रखेंगे। आप लोग जब क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त को सुनते हैं, इतिहास को सुनते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिएगा, केवल इतिहास आपको श्रवण कराने के लिए नहीं बोला जा रहा। आप ये बस समझना कि हमारी राष्ट्रभक्ति केवल इतनी ही है कि हमने इतिहासों को सुन लिया और हमने ताली बजा दी, हमने अपने कर्तव्य की इति स्वीकार ली। ऐसा नहीं। जो परिस्थितियां उस समय थी, जिस भगवान श्री राम और कृष्ण की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जिन जिन क्रांतिकारियों का नाम हमारे आदरणीय संदीप जी ले रहे थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उन्हीं भगवान श्री राम और कृष्ण की पावन सनातन संस्कृति पर दोबारा से हमले किए जा रहे हैं। उस संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम केवल चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल के इतिहास को सुनकर के भावुक हो जाएं, तालियां बजा दें कि भाई आपने बहुत अच्छा बोला, इतने से आपकी राष्ट्रभक्ति प्रमाणित नहीं होगी। आज पढ़े आक्रांत हो रही मातृभूमि हम सबकी प्यारी, जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए 7.5 लाख नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में चूमा था, आज पुणे आक्रांत हो रही मातृभूमि हम सबकी प्यारी, उठो चुनौती को स्वीकारो, अब की बात तुम्हारी बारी। वो दौर था जब राजगुरु चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल भाई परमानंद लाला हरदयाल मदनलाल ढींडा, जब माँ भारती ने उनको पकारा तो उन्होंने आकर के माँ भारती के बंधनों को काटा। बंधुओं, ये सनातन संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति आज भी आपको पुकार रही है। आज कौन भगत सिंह बनेगा, कौन चंद्रशेखर आजाद बनकर के अपने जीवन की आहुति देगा। ये माँ भारती आज भी बलिदान चाहती है। आप ये मत समझो कि आज आप सुरक्षित बैठे हुए हो, आप लोगों पर बहुत बड़ी गिनती दृष्टि लोगों की लगी हुई है। इस सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरे विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और आप ही थोड़ा सा मेरे साथ होमवर्क करें, थोड़ा सा चिंतन करें, तो आपका दिमाग खुल सकता है कि हम कहां थे और कहां तक आ चुके। और यदि अभी हम केवल क्रांतिकारियों का अध्ययन सुनते रह गए, बस आगे ही हमने कुछ नहीं किया उनसे प्रेरणा लेकर के, तो बंधुओं आपकी ये स्थिति भी रहने वाली नहीं है। पूरी दुनिया से आपको समाप्त कर दिया गया, पूरी दुनिया से। आप अतीत को पढ़ेंगे तो पूरा एशिया आप लोगों का था, पूरा अरब आप लोगों का था, ये सब कुछ हम लोगों की जन्मभूमि थी। हमारे हिंदू लोगों के वहां पर राज हुआ करते थे, लेकिन क्या आज अरब के अंदर कोई भी हिंदू देश है बताओ? और मैं विदेशों की बात नहीं करता, वो तो आप लोग यूट्यूब के द्वारा सुनते ही हैं, लेकिन मैं आपको प्रेजेंट की स्थिति बता रहा हूं। इस भारत देश में कितने प्रांत हैं, इस भारत देश में कितने प्रांत हैं बोलिए, आपको पता है? इस भारत देश में 36 प्रांत, 36 प्रांत में से 9 प्रांत आपके हाथ से निकल गए। 9 प्रांत में रामकृष्ण के वंशज जो उनकी संस्कृति को मानने वाले लोग थे वो अल्पसंख्यक हो गए, वो खत्म हो गए। 9 प्रांत की स्थिति बता रहा हूं भारत देश की, आपको बाहर की बात नहीं कर रहा। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये तो आपके हाथ से चला गया। अब तो मैं आपके पास जो कुछ भी बचा है इसको आप संभालने की बहुत बड़ी बात है। और इसकी स्थिति कितनी डामाडोल हो रही है, तो मैं बता रहा था भारत देश में 9 प्रांत है, 36 प्रांत है, 36 प्रांतों में से 9 प्रांत आपके हाथ से चले गए। कितना प्रतिशत हिस्सा आपका चला गया, लगाओ गणित मेरे साथ में, 25% आपके हाथ से गया। इस भारत देश में 600 जिले, 800 जिले हैं, कितने जिले हैं जी? 800 जिले हैं भारत देश में, 800 जिलों में से 200 जिलों आपके हाथ से जा चुके हैं, वहां पर आप खत्म हो गए। कितना हिस्सा चला गया? 25% चला गया। इस भारत देश में 6000 तहसीलें हैं, कितने? 6000, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील आपके हाथ से जा चुकी हैं, कितना हिस्सा चला गया? 25% भूभाग आपने वो बंटवारे में गया सो गया, लेकिन अब जितना भारत देश आपका बचा हुआ है इसमें से भी 25% हिस्सा आपके हाथ से जा चुका है। अभी मैंने कल भी आपके बीच में चर्चा की थी, अभी आंकड़े बता रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग 44% इस देश में 65 साल में पड़ गए, 44%।
और आप लोग 8% घट गए, हम लोग घट रहे हैं, वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है? सीधा सा परिणाम है कि आपके सिर पर मौत का घंटा लटका हुआ है। ज्यादा दिनों तक आप लोग सुरक्षित रहने वाले नहीं हो। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अगर आपको ये लगता हो कि आपका व्यापार कारोबार घर परिवार जैसा आज चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू हुआ करते थे। क्या नाम था जी? नंदराम टिक्कू। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा प्रमाण मिलेगा। 1805 की बात मैं बता रहा हूं, यानी 1805 तक अफगानिस्तान आपका था। क्या आज कोई वहां रामलाल कोई श्यामलाल बचा है क्या? पूरा अफगानिस्तान आपके हाथ से चला गया। मैं ईरान की बात करूं तो ईरान के राजा होते थे शल्य। आज वहां पर एक हिंदू बचा है क्या? बोलो। कश्मीर में कोई बचा है क्या? नहीं बचा, पूरी तरह से खत्म हो गए। आपको मेरी बात यदि यथार्थ नहीं लग रही हो तो आप कश्मीर फाइल देखिएगा, आज से 35 साल पुरानी घटना है। 35 साल पुरानी, आज से 35 साल पहले वहां रामलाल श्यामलाल आदि हमारे अपने लोग रहा करते थे, लेकिन वहां से मार करके काट करके खत्म कर दिया गया, भगा दिया गया। आज भी वो लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जमीन हमको वापस दिलवाई जाए। बंधु ये आपके देश की हालात में आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई अरब की हालात नहीं बता रहा। अब आप ये सोचो कि हमारी स्थिति क्या इस देश में हो रही है। केवल आपने क्रांतिकारियों का इतिहास सुन लिया और आप समझ रहे कि हमने तो बहुत अच्छा इतिहास सुन लिया। फिर इतिहास को सुनने से कुछ नहीं आपको मिलने वाला। यदि आपने वक्त को नहीं भाप पाए, वक्त की स्थिति को आप और समय रहते आपने ठीक निर्णय नहीं लिया तो सब कुछ आपके हाथ से छिन जाएगा। ये तो आपको मैंने भारत देश की स्थिति बता दिया। भारत देश में और मैं चलता हूं, आपको जो हिंदू नाम का प्राणी रह रहा है इस धरती पर, इसको समाप्त करने के लिए लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र शुरू कर दिए गए। आपको पूरी दुनिया से मिटा दिया। लोग कहते हैं कि सब्जी और आज दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं तो कहता हूं कि ये बताओ कि हस्ती बची क्या है तुम्हारी? कुछ हस्ती बची है क्या? 1847 में हमारे पास जो वर्ग क्षेत्रफल था, भारत भूमि कितनी बड़ी थी? 83 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारे पास में था। 1847 की बात कर रहा हूं। आज कितना है आपको पता है? आज केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारे पास में है। 2400 सालों में भारत का 25 बार विभाजन हुआ। 2400 सालों में भारत का 25 बार विभाजन हुआ है और आगे भी वो स्थिति बनती चली जा रही है। कर्नाटक का एक क्षेत्र है जहां पर लोगों ने अपनी राजधानी अलग से घोषित कर दी है, उन लोगों ने कर दी है अपने शरीयत के आधार पर। अब वो कितने वो प्रामाणिक है या उनकी कानून व्यवस्था चल पा रही है नहीं चल पा रही, लेकिन उनके मंसूबे देखो आप कि स्थिति कितनी डामाडोल होगी। आपके देश में उन्होंने अपनी राजधानी घोषित कर दी, बोले हमारा यहां से हम शुरुआत करेंगे गजबाए हिंद की और ये हमारी राजधानी। तो स्थिति दिन प्रतिदिन डामाडोल होती चली जा रही है। आप लोग निश्चिंत बैठे हुए हो, यदि इसी प्रकार से बैठे रहे तो आने वाले 30 सालों में आपके घर पर, आपकी दुकान पर और आपके मकान पर सब पर दूसरे लोगों का कब्जा होने वाला है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, ये बताओ जंगल का राजा कौन होता है? ये कौन होता है? ये बच्चे बोल रहे छोटे छोटे जंगल का राजा शेर होता है। अरे इस बात को भूल जाओ, जंगल का राजा कभी शेर होता था तब होता था, अब नहीं होता। अब तो राजा वो बनता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। अगर जंगल में कुत्तों की संख्या ज्यादा हो गई तो कुत्ता जंगल का राजा बनेगा, शेर राजा नहीं बनेगा। आजकल वोट बैंक का जमाना है, वो राजतंत्र नहीं है प्रजातंत्र है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका वोट बैंक रोज घट रहा है या बढ़ रहा है? बोलो जी, घट रहा है। दूसरे लोगों का वोट बैंक बढ़ रहा है या घट रहा है? कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? 44% बढ़ता चला जा रहा है। और आप अभी जो मोदी जी की और योगी जी की चर्चा भाई संदीप जी से सुन रहे थे और आप बड़े गौरवान्वित होते हैं, भाई कमाल हो गया, हमारे देश की बागडोर ऐसे नेता के हाथ में है कि अब हमको कुछ करना ही नहीं है, हम निश्चिंत हो गए, अब हमारी बेटियां हमारी बहनें सब सुरक्षित रहेंगी। अरे कब तक सुरक्षित रहेंगी जरा ये तो सोचो। योगी मोदी पर फूलने वाले लोगों ये बताओ कि योगी मोदी कब तक सुरक्षित है? अरे कब तक ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर के रह सकते हैं? इनका धरातल तो रोज खत्म होता चला जा रहा है भाई।
देश में वोट बैंक की राजनीति है। जब इनका वोट ही नहीं रहा तो कहां से योगी को मुख्यमंत्री बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, कहां से लेकर के आओगे आप? एक तरफ वर्ग विशेष के लोग 17-17, 13-13, 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपका एक बच्चा है ना। अब आप ये बताओ आने वाले समय में भैया राज किसका, जिसकी संख्या ज्यादा, बोलो उसका राज होगा या नहीं होगा? भाई इसमें कोई भ्रम वाली बात तो नहीं, स्पष्ट है। जिसकी संख्या ज्यादा उसका राज, प्रॉपर्टी आपके पास में ज्यादा, राज किसका होगा? जिसकी ज्यादा संख्या होगी, प्रॉपर्टी का उपभोग कौन करेंगे जिसकी ज्यादा संख्या होगी? आश्चर्य की बात है कि प्रॉपर्टी आपकी होगी, कमाई आपकी होगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का उपभोग करने वाले दूसरे लोगों के जिनकी जनसंख्या होगी वो आपकी प्रॉपर्टी का उपभोग करेंगे। ये भी यथार्थ सत्य आपको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। और अब ज्यादा तो नहीं रह गया, ज्यादा लंबा समय आपके पास में नहीं है। उन लोगों ने 2050 तक की योजना बनाई है और निश्चित रूप से वो 2050 तक अपने पूरी की पूरी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगे हुए और पूरा की पूरा अपने टारगेट तक पहुंचाएंगे। आने वाले 2050 तक पीएफआई के फायदे खुले, उसको उन लोगों ने कहा कि 2047 आते आते हम सारा काम कर देंगे। हालांकि योजना तो बहुत पहले तक की थी, 29 तक की थी कि हम अपना प्रधानमंत्री बिठा देंगे, लेकिन भारत के कुछ लोग जगे और जगने के बाद में इस देश में कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ अच्छे राष्ट्रभक्त लोग पदों तक पहुंचे, गद्दी तक पहुंचे, तो अभी इन लोगों के मंसूबों पर थोड़ी सी लगाम लगी है। लेकिन याद रखना अभी इनका जो उद्देश्य है वो खत्म नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि योगी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री ना उत्तर प्रदेश को आज तक मिला ना आगे मिल सकता है बंधु। लेकिन मुझे ये बताओ क्या योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान हो गया? क्या हो गया? समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या दबी हुई है और वो लोग अवसर की तलाश में, अवसर की तलाश में। और आप लोग उनको बिल्कुल अवसर देने वाले हो, आप तो खुद उनको अवसर देने वाले हो। भैया चिंता मत करो, आपकी सत्ता है कि जिस दिन योगी की गद्दी से हटेंगे उस दिन आप देखना कि उत्तर प्रदेश की हालात क्या होगी। एक एक बात का बदला लिया जाएगा, लोग पूरी तरह से योजना बना करके आपके साथ में काम कर रहे हैं बंधु। इसलिए आर्य समाज आपको सचेत कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि यदि आप लोग ये मान करके बैठे हो कि हम सुरक्षित हैं तो ये समझना कि आपने बहुत बड़ा वाला नशा किया हुआ, आप बढ़िया अच्छी भांग पी करके बैठे हुए। आज से 200 साल पहले कराची के अंदर कोई व्यक्ति ये कहा करता था कि अरे हिंदू तुम बड़े भोले भाले हो, अगर इसी प्रकार से तुम रहते रहे तो एक दिन इस धरती से तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। तो हिंदू लोग कहते थे पागल कहां से आ गए, कैसी बात कर रहा है, हमारे कैसे वंश समाप्त हो जाएंगे, बेवकूफी की बात कर रहा है। लेकिन वो लोग कराची से समाप्त हुए नहीं हुए, ये अफगानिस्तान, ये मामा शफनी की जन्मभूमि अफगानिस्तान, ये गांधारी का प्रदेश अफगानिस्तान आपके हाथ से गया नहीं गया? आर्यन जो हुआ करता था राजा शल्य की भूमि, वो आज का ईरान आपके हाथ से चला गया नहीं गया? ये सारे देश, पूरा यूरोप आपके हाथ से चला गया, पूरा अमेरिका आपके हाथ से चला गया, अब तो केवल भारत देश में आपका थोड़ा सा वजूद बचा हुआ है और इस भारत देश पर सभी लोगों की दिव्य दृष्टि गड़ी हुई है। आपको समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं, लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, कहीं फूड जिहाद, कहीं एजुकेशन जिहाद, कहीं धार्मिक जिहाद। और इन जिहादों के तहत हमारी लगभग 2-2.5 लाख बेटियां हर साल विधर्मियों के घरों तक पहुंच रही है। आपको पता नहीं है तो आप केरला स्टोरी देखिए, 32,000 लड़कियों की करुण कथा उस केरला स्टोरी में है, जो सारी हिंदू लड़कियां थी और उनको किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया। ये तो एक घटना केरल प्रदेश में घटी गई है, ये आपके आसपास के क्षेत्र में कितना बड़े पैमाने पर ये केरला स्टोरी चल रही होगी, आपने कभी ध्यान दिया? मैं भी कानपुर में गया, कानपुर के अंदर एक हुक्का बार में छापा पड़ा पुलिस का और उस हुक्का बार के अंदर 17 हिंदू लड़कियां पकड़ी गई, 17, और सारी की सारी हिंदू लड़कियां गोल टोपी वालों के साथ में पकड़ी गई। अरे अच्छा ये सोचो ये सब इत्तेफाक से हो रहा है क्या? ये कितनी बड़ी योजना है, कितनी बड़ी योजना। लेकिन हिंदू सोया पड़ा है, हिंदू तो अपने रंगीन भविष्य के सपने देख करके सो रहा है कि मेरा पोता आराम से मौज करे, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अरे बंधु पुरुषार्थ करो, कमाई कर कमाओ, इसके हम निषेध नहीं करते, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ क्या आपकी कमाई आपके पोतों तक सुरक्षित रह पाएगी या आपके हक को दूसरा कोई छीनने के लिए तैयार रहे? बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, 4 प्रबल शत्रु हैं जिन्होंने आपको खत्म करने का पूरा बीड़ा उठाया हुआ है। पहला शत्रु है गोल टोपी, समझ लीजिए आपके क्षेत्र में खूब है,
मैं लोगों से कहता हूं तो लोगों के पेट में नमक मिर्च लगता है। लोग अभी मैं दिल्ली में बोला, मेरे नाम से लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी। बोले तो दंगा कराने की बात करते, मैं दंगा कराने की बात नहीं करता, मैं आपको यथार्थ बात बोल रहा हूं। ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। कितने सारे मदरसे आपके देश में चल रहे हैं, इन मदरसों से कोई साइंटिस्ट पैदा किए जा रहे हैं क्या? कोई राष्ट्रभक्त अब्दुल हमीद जैसे पैदा किए जाएंगे क्या? इनका एक ही उद्देश्य है कि जब देश में गजबाई हिंद होगा तो हमारी पूरी फौज पहले से तैयार करे। एक संगठन है जिसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, उसका टारगेट है कि 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करके उतार देंगे। पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, आर्मी वाली ट्रेनिंग दी जा रही है, आर्मी वाली। उनको खतरा केवल आर्मी से है, इसलिए वो वैसे बार बार बोलता है कि तुम केवल 15 मिनट के लिए फौज हटा लो, हम तुमको सबक सिखा देंगे। केवल खतरा। और अब उनको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आने वाले समय में तुम आर्मी से कैसे टक्कर ले पाओगे, इसलिए उनके ट्रेनिंग सेंटर आपके देश में खोले जा रहे हैं। किस भ्रम में सोए हुए आप लोग? आप लोग जो एक बच्चा पैदा करके इसको डीएम बनाना चाह रहे हो ना, वो 17 बच्चा पैदा करके देश का पीएम अपना बनाना चाहते हैं। जिस दिन उनका पीएम बनेगा तो डीएम आपका बच्चा बनने वाला नहीं है, सब वही लोग बैठेंगे। आप एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो उनकी जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। आप लोग सोते रहो। और मैं तो कहता हूं कि हिंदू को मारने के लिए ज्यादा उनको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं मरते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। हम जैसे भी जिस स्थिति में है, आपकी बहन बेटियां देखो किसने बड़े गर्त में जी रही है, किस स्थिति में आपकी बहन बेटियां जा रही है। संस्कृति का पतन होता चला जा रहा है। कोई मुसलमान लड़की, कोई क्रिश्चियन लड़की नवजात का शिकार नहीं बनती, सारी बनती है तो हिंदू लड़कियां बन रही। हमने अपने बच्चों को पद्मिनी का जौहर ना पढ़ाया, अगर हमने अपनी बेटियों को पद्मिनी का जौहर, महारानी अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, ये जितने भी हमारी वीरांगना हुई, ये कितने बड़े बड़े साके करने वाली महारानी पद्मिनी, वीरांगना चंचल कुमारी, अगर हमने इनका इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो हमारी बेटियां किसी गैर मजहब के लड़के के साथ नहीं जाती, ये लव जिहाद का शिकार नहीं बनती। लेकिन हमने ये बड़ी भूल की है कि अपने बच्चों को अपने देश के पावन अतीत से दूर कर दिया। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों के बीच में करने चला हूं, समय बहुत कम रह गया। यदि आप लोग सचेत सावधान नहीं हुए तो आने वाले 30 सालों में इस भारत देश से आपका बोरी बिस्तर पूरी तरह से बंद जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपको कहीं शरण दे दे। इन हिंदुओं के पास में केवल एक ऑप्शन बचेगा, हिंद महासागर के अलावा डूब मरने के लिए दूसरा कोई स्थान इनके पास मिलने वाला नहीं बचा। दुनिया में कोई हिंदू देश है क्या? गोल टोपी वालों के कितने देश हैं दुनिया में? 58 देश। क्रिश्चियनों के कितने देश हैं? 140 देश। दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है। अब जो आपका एक हिंदू देश था जहां पर आपकी आबादी थी, उस देश में भी आपको चारों तरफ से घेर दिया गया। खुद आपके जयचंद आपको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का साथ देने वाले लोग इस देश में सक्रिय हो गए। आप कल्पना करो कि आने वाला 20 साल का भारत का दृश्य क्या बनने वाला है। एक तरफ इस देश में कैसा सौंप करके जाने वाले बच्चों में इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं कि आने वाले 30 साल के बाद में आपका ये जिला भी होगा, आपका ये पृथ्वी पर नवदिया भी होगा। लेकिन एक कटु सत्य में आज आपके बीच में बोल रहा हूं, आने वाले 30 साल के बाद में ये स्थान भी होगा, आपका गांव भी होगा। लेकिन चिंतन आपको ये करना है कि आने वाले 30 साल में ये धरती पर, आपके इस गांव की जमीन पर किन लोगों का कब्जा होगा, ये आप चिंतन कर लीजिए। आपका कब्जा होने वाला नहीं है, निश्चित रूप से उन्हीं लोगों का कब्जा होगा जिनकी संख्या ज्यादा होगी। आपकी संख्या रोज कम होती चली जा रही है। और जिस प्रेम भाईचारे की बात आप करते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो लोग बढ़ रहे हैं, हम घट रहे हैं, तो कौन सी परेशानी वाली बात है? ये भाईचारे का चश्मा अपनी आंखों से उतार दीजिए। ये सब लोग तभी तक प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं। देखो मेरे जीवन का ध्येय एक ऐसी विचारधारा के साथ मैंने संघर्ष करना है जीवन भर, और उससे अपने हिंदू समाज के भाइयों को जगाना है। जो विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही है इस देश में, और उस विचारधारा का मोटो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उनका धर्म ग्रंथ,